और इंट्रोडक्शन दीजिए आपका पहले सर, फिर हम आपको क्वेश्चन करेंगे। मैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस का चेयरमैन हूँ और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुआ था और हमारा ये सबसे ज़्यादा कोशिश रहता है कि आम जन तक इस अल्टरनेटिव सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैला सकें और इसके बारे में जानकारी भी दे सकें। ये अल्टरनेटिव सिर्फ एक कोर्स तक ही सीमित नहीं है, इसके अंदर में लगभग 142 सिस्टम मौजूद है। सिर्फ एक सिस्टम से ट्रीटमेंट ना करके इनके हाथ में 142 सिस्टम है जिसके द्वारा ये पेशेंट को हर एक प्रकार के सिस्टम से इलाज कर सकते हैं और पेशेंट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। सर, अल्टरनेटिव मेडिसिन जो इंस्टीट्यूट है वो कितने ब्रांचेस है उसके और तेलंगाना में कितने ब्रांचेस हैं उसके? तेलंगाना में सिर्फ एक ही ब्रांच को हमने चुना, वो है ये ममता इंस्टीट्यूट, और हमारा हर एक स्टेट के अंदर में एक एक इंस्टीट्यूट है। जी जी, इसके लिए जो स्टूडेंट के लिए जो प्रोसीजर रहता है, जो फीस रहती है, इसका क्या कैसा रहता है सर? स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोसीजर रहता है न्यू जॉइनिंग स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, उसका क्या प्रोसीजर होता है सर? देखिए, अभी तो हम जो प्रैक्टिशनर हैं हम उनको ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी हम इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट भी देंगे कि वो आखिर हमसे जुड़ना क्यों चाहते हैं। जी, जब तक वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हमें भी ये नहीं होगा कि हम उनको और ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकें। जी जी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकें। सर, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और किस तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, मिनिमम ट्रेनिंग जो होता है वो 6 मंथ, वैसे 1 साल का इंटर्नशिप दिया जाता है। जी, 1 साल का। 1 साल का, वैसे मिनिमम 6 मंथ में भी कोई स्टूडेंट 6 मंथ में भी सीख जाते हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी टैलेंटशिप पे। अच्छा, ये स्टूडेंट न्यू होते हैं या फिर जो मतलब ऑलरेडी प्रैक्टिस में होने के बाद सर्टिफिकेट के लिए खासतौर आते हैं, उन लोग वही होते हैं? नहीं, जो हमारे पास में जो अभी आए हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर होते हैं जिनके पास में डिग्रियां नहीं हैं। जी जी, वैसे स्टूडेंट को की संख्या ज़्यादा है हमारे पास में। तो तेलंगाना से आपको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने स्टूडेंट्स हर साल या हर मंथ या हर 6 मंथ कितने स्टूडेंट्स को आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? काफ़ी हमारे यहाँ से इस सेंटर से हमें लगभग 100 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट आए हैं, 100 से ज़्यादा के 200 के आसपास में होगा। जी जी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई एम डॉक्टर मिर्ज़ा अहमद बेग, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ ममता इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और एफिलेशन ऑल इंडिया अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल एंड साइंस रिसर्च से है, और सिस्टम ये हमारा रिकग्नाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, जिसके चेयरमैन जो थे हमारे मणिकंठ राव साहब हैं और डायरेक्टर साहब डॉक्टर एम ए अलीम साहब हैं, और हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर हमारा जो 4 साल से हम काफ़ी ट्रेनिंग देके थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके एग्जाम्स लेके उसके बाद सर्टिफिकेट ऑल इंडिया से होता है। आपके पास इंस्टीट्यूट पे सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर सब आते हैं, ज़्यादा तैदा किसकी होती है? सीनियर जूनियर और जूनियर भी प्रैक्टिशनर है, जो आरएमएस है जिसका जो सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग जो हमारे के एडमिशन लेते हैं, जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनकी पहले जो है इंटरव्यू उसके बाद उनके गाँव का उनके सरपंच का सर्टिफिकेट किस करना है, उसके बाद एजुकेशन भी कितनी है वो भी हम मालूम करते हैं, यानी कि ऐसा 10+2 है या नहीं है, उसका प्रोसीजर 10+2 होना लाजिम है और जरूरी है। सबके ट्रेनिंग पीरियड एक ही होते हैं अलग अलग होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं, बैच वाइज है। अच्छा अच्छा, बैच वाइज के हिसाब से हम लोग। इसका क्या प्रोसीजर है ट्रेनिंग का?
ट्रेनिंग का क्या है, प्रोसीजर क्या है, फीस वगैरह क्या होती है? फीस होने के बाद हॉस्पिटल में इंटर्नशिप पे आते थे, जी जो हॉस्पिटल है जैसा एक भी कैंसर है और वहाँ से जननी हॉस्पिटल या जो से गुड लाइफ हॉस्पिटल जिसमें करते हैं जी। कैसे कांटेक्ट करें आपको अगर यहाँ पे लोग कोई डॉक्टर ज्वाइन होना चाहते हैं तो? सोशल मीडिया है, Zno TV है और सोशल मीडिया पेपर भी आते हैं, सोशल मीडिया का सपोर्ट है, इसकी वजह से कोई जैसे